श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दीपावली की सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको चौक पर एक सुंदर सी चौकी लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाना है। आपने धनतेरस पर जो पूजा की है उसी चौकी पर आप पूजा कर सकते हो, और अगर आपने चौकी हटा दी है तो फिर से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हो। उसके बाद चावल से उस पर स्वास्तिक बनाएं, फिर उस पर कलश स्थापित करें। कलश चाहे तांबे, स्टील, पीतल, चांदी या जो भी आपके पास हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। उस कलश में चावल डालें और कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर पंच पल्लव, जल, दुर्वा, चंदन, पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान, सुपारी डाले जाते हैं। अब आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं और एक कलश के ऊपर श्रीफल रखकर और वो आम के पत्ते लगाने हैं उसी कलश के ठीक सामने, और अपने इष्ट देव गणपति जी विराजमान करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या श्री यंत्र हो, अपने इष्ट देव गणपति जी विराजमान करें, और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या श्री यंत्र हो वो सभी एक प्लेट में रखें। चौकी पर जो पूजन धनतेरस पर की है उस पूजन की थाली के सामने रखें। धनतेरस की पूजन विधि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और भूमि पर घी का दीपक अखंड लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखें और तेल का दिया अखंड लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की ओर रखें। दोनों दीप के नीचे आपको चावल के कुछ दाने रखकर आसन देना है। अब उसके बाद आपको कलश, गणपति जी, लक्ष्मी जी एवं जो सिक्का धनतेरस पर पूजा है उन सभी पर जल छोड़े और फिर मौली लाल धागा वस्त्र समर्पित करें। और उसके बाद कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल से पूजन करें और लाल फूल, कमल का फूल समर्पित करें। उसके बाद जो सिक्का थाली में पूजन का रखा है उस पर पीसी हुई हल्दी 7 बार और कुमकुम 11 बार हाथ फैलाकर लक्ष्मी जी के नाम बोलकर चढ़ाए। लाल फूल भी चढ़ाए और अमर बेल के 21 टुकड़े, कमल गट्टे 11 और हल्दी की गांठ 7, खड़ा दना, गुड़, हरी मूंग ये सभी सामग्री धीरे धीरे उस धनतेरस वाले सिक्के पर समर्पित करें और घी के दिए में 1 कमल गट्टा डाल दे। माता लक्ष्मी जी के सामने भूमि पर 5 पान के पत्ते रखें और एक पत्ते पर माखन, दूसरे पर पान का बीड़ा, तीसरे पर मिठाई और चौथे पर कमल गट्टे, 5वें पर नगर मोथा रखें। 5ों पान की कुंकू और हल्दी से पूजन कर ले। इन सभी सामग्रियों में अगर आपको कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर आप अक्षत रख सकते हो। अब आप अपने घर में जितने भी मिट्टी के दीप लगाते हो वे सभी प्रज्वलित कर ले और आपके यहाँ जैसी पूजन होती है वह भी अवश्य करें। गुरुजी ने बताया कि आप पहले जैसे पूजा करते वैसी भी कर सकते हो। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को घर में बनाए मीठे पकवान का भोग लगाए और सारी पूजन करने के बाद आरती करें और स्वयं आरती न ले। आरती लगे दीपक को और पूजन की थाली को अपने कमरे में रखी अलमारी तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर पूजन करें और माता लक्ष्मी जी के सामने झोली फैलाकर नमन करें, विनती करें, हे माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमसे जो भी पूजा हुई वो स्वीकार करो माँ, और जो भी हमसे गलती हुई उसको माफ करना, और रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो
लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।